भारतीय निर्यात पर टैरिफ लगाए जाने की जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी अमेरिका से आयात किए जाने वाले 29 आइटम्स पर टैरिफ लगाने का फैसला किया है। अमेरिका से बादाम के आयात पर भी भारत टैरिफ लगाने जा रहा है, जो भारत में बादाम की कीमत को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। अमेरिका को भेजे जाने वाले भारत के निर्यात पर टैरिफ लगने के बाद जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी अमेरिका से आयात किए जाने वाले 29 आइटम्स पर टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इन 29 आइटम्स में से दो सबसे अहम आइटम्स सेब और बादाम हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में भारत में आयात किए जाने वाले कुल सेब का 47.29% यानी 986 करोड़ रुपये का सेब अमेरिका से आयात किया गया। इसका मतलब है कि भारत में आयात किए गए कुल सेब का लगभग आधा अमेरिका से आता है। इसी तरह पिछले वित्त वर्ष में भारत में आयात किए गए बादाम का 81.59% यानी 4,344 करोड़ रुपए का बादाम सिर्फ अमेरिका से आयात किया गया। देश में बादाम की खपत के लिए भारत आयात पर कितना निर्भर है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि अगस्त 2017 में भारत में 1,000 टन बादाम का उत्पादन हुआ, जबकि आयात 95,000 टन का हुआ, जिसका 80% से भी ज़्यादा अमेरिका से आयात किया गया। एक तरह से कहा जा सकता है कि बादाम की खपत के लिए भारत पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। भारतीय बाजार में बादाम की कीमत पहले ही पिछले कुछ साल में काफ़ी बढ़ चुकी है। जून 2016 में भारतीय होलसेल बाजार में बादाम की कीमत 50,000 रुपये प्रति टन थी, जो जून 2019 में 40% बढ़कर 70,000 रुपये प्रति टन पर पहुँच गई है। और अगर ऐसे में सप्लाई कम होती है तो कीमत और तेज़ी से ऊपर जा सकती है। भारत के अमेरिका पर टैरिफ लगाने से किसका कितना घाटा है, ये पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।